कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र कला वाणिज्य की क्लास में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों बेटा अपन अभी कर रहे थे राष्ट्रीय आय की गणना। अपन ने राष्ट्रीय आय की गणना में तीन विधि पढ़ी, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। फिर इसकी है अंतिम व्यय गणना। तो इसके अंतर्गत आपको आज पढ़ाऊंगी बेटा मैं अंतिम आय गणना, अंतिम व्यय गणना। तो अंतिम व्यय गणना निजी अंतिम उपभोग व्यय, मतलब जो निजी ने लिए जो खर्च किए गए बेटा, निजी अंतिम उपभोग व्यय ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के मदों को ज्ञात करना होता है। तो निजी, निजी के अंतर्गत आएगा बेटा, निजी से मतलब होता है घरेलू। घरेलू बाजार में उपभोक्ता परिवार द्वारा, मतलब जो उपभोक्ता होता है वह परिवार द्वारा मकान के अतिरिक्त वर्तमान वस्तुओं सेवाओं का क्रय, क्रय मतलब खरीदना। तो ये अपना निजी उससे खरीदता है। फिर है शुद्ध प्राप्त नगद उपहार, जो अंतिम व्यय गणना होती है बैंक में है अपना शुद्ध नगद उपहार गणना। फिर है नगद प्राप्त मजदूरी और वेतन, जो नगद प्राप्त वेतन होता है, जो अपन को मजदूरी प्राप्त होती है वह भी अंतिम व्यय गणना के अंतर्गत है। निजी मकान आरोपित किराया, घरेलू नौकर को जो अपन पैसे दिए, मजदूरी, ये सब अंतिम व्यय गणना के अंतर्गत आता है। तब जो अपन ने किराया दिया, आरोपित किराया, घरेलू नौकर को अपन ने जो मजदूरी दी, ये सब निजी उसमें अंतिम व्यय गणना के अंतर्गत आता है। फिर वर्तमान में उत्पादित वस्तु, तब जो वस्तु अपन वर्तमान में उत्पादित करते हैं और सेवाओं के बाजार, मतलब उसको बाजार में सेवा करने के लिए गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा भुगतान किया गया कर्मचारियों का पारिश्रमिक, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, और सरकार से तात्पर्य, सरकार से तात्पर्य सामान्य सरकार से जो साप्ताहिक आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं शिक्षा, चिकित्सा आदि की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित पदों का मूल्यांकन ज्ञात करना होता है। फिर सरकार द्वारा वर्तमान में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का शुद्ध क्रय, शुद्ध क्रय से मतलब यहाँ पर बेटा जो सरकार द्वारा वर्तमान में जो उत्पादित वस्तुएं की उनका क्रय। फिर उसके बाद है बेटा सेकेंड है कि जो वस्तु उत्पादित हुई अपन ये अंतिम उपभोग व्यय की गणना के अंतर्गत आएगा, तो इसको सरकार द्वारा विदेशों से, मतलब जो अपन जो सरकार से, सरकार द्वारा विदेशों से प्रत्यक्ष खरीदी और सरकार द्वारा सेवाओं को बिक्री, जो अपन जो सरकार से जो विदेशी क्रय बिक्री होती है, अप्रत्यक्ष खरीदी होती है, और वर्णित तीनों माल को जोड़कर, मतलब इन सबको जोड़कर, मतलब जोड़ना घटाना होगा। सरकार द्वारा भुगतान किया गया कर्मचारियों कार्य करते हैं तो सरकार द्वारा उसका क्या क्या कहता है भुगतान, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये सकल स्थायी पूंजी निर्माण में और परिसंपत्ति के प्रकार के आधार को दो भागों में बांटा गया है। सरकार द्वारा जो भुगतान किए जाते हैं कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिया जाता है। फिर सकल स्थायी पूंजी निर्माण, जो सकल पूंजी, सकल मतलब कुल स्थायी पूंजी निर्माण होता है, इसको दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, एक है निर्माण और दूसरा है मशीनरी। तो निर्माण से मतलब आप सभी समझते हो बेटा नए निर्माण, कुल व्यय निर्माण होते हैं जो लागतों में किसी चीज का निर्माण करेंगे तो अपन को सीमेंट, इस्पात और कलपुर्जी आदि श्रम पूंजी की आय पर अदायगी के बराबर होता है। अपन कोई भी चीज का क्रय करेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पूंजी देनी पड़ेगी ना बेटा, उसकी अदायगी है ना। निर्माण क्रेताओं के निर्माण स्थल पर अदा की गई, इसका गुणा करके कुल व्यय ज्ञात किया जाता है, कुल व्यय ज्ञात किया जाता है, इससे वस्तु का प्रवाह विधि भी कहते हैं। मतलब जो उसकी गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं, गणना करेंगे तो उससे क्या कहेंगे, वस्तु प्रवाह विधि भी कहेंगे। फिर कर्मचारियों का पारिश्रमिक, मतलब जब अपन किसी कर्मचारी से काम लेंगे उसको पारिश्रमिक का कराया, ब्याज तथा लाभ हुआ और व्यय
तब जो नए निर्माण किए जाते हैं, नए निर्माण में होने वाले व्यय जो निम्नलिखित है, तो पहला है सभी उत्पादक क्षेत्रों को, मतलब जो सभी उत्पादक क्षेत्र होते हैं उनमें स्थायी परिसंपत्ति का स्वलेखा उत्पादन, मतलब स्वलेखा तो स्वयं उत्पादन, स्थायी संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन। इसके बाद होता है बेटा कि पूंजी, नए पूंजी निर्माण के अंतर्गत उपभोक्ता परिवार के द्वारा नए मकान का क्रय, नव निर्माण मतलब नए मकान का क्रय। फिर दूसरा है निर्माण स्थल पर चालू कार्य, मतलब जब कोई भी कार्य निर्माण स्थल पर करें तो उसको चालू कार्य, तो जब कोई कार्य चल रहा हो तो निर्माण स्थल पर चालू कार्य। फिर पुराने घर मतलब जो भवन होते हैं उसमें रद्दू बदल, मतलब उसमें और उसका मरम्मत ये सब कराना, ये सब जहां पर मशीनरी व उपकरण, जहां पर मतलब मशीनरी का काम और उपकर का संबंध है, वहां पर अंतिम बिक्री की मात्रा के बल को, मतलब जो अंतिम बिक्री होती है उसके बाजार में प्रचलित कीमत से, मतलब अपन जो अंतिम विक्रय कर रहे हैं तो उसकी मात्रा में बाजार में प्रचलित कीमत, जो आज जो बाजार में कीमत है उससे गणना गुणा करके उसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है, इसको व्यय, व्यय को प्राप्त किया जा सकता है, व्यय गणना। फिर है स्टॉक के परिवर्तन में गणना करने से लिए गए स्टॉक में होने वाले भौतिक परिवर्तन की मात्रा बाजार की कीमत में गुणा किया जाता है, मतलब जो अपन को स्टॉक प्राप्त है, स्टॉक में जो परिवर्तन की गणना, ये स्टॉक है जो अपन को इसमें परिवर्तन की गणना में, परिवर्तन की गणना से स्टॉक में होने वाले भौतिक परिवर्तन की मात्रा को बाजार की कीमत, जो बाजार की कीमत है जो स्टॉक है उसमें गुणा कर किया जाए, तो आरंभिक स्टॉक को घटाकर अनुमान लगाया जाता है कि उसमें कितना स्टॉक है। फिर परिवर्तन के उसके भी दो परिवर्तन है बेटा, तो स्टॉक को घटाकर अनुमान लगाया जाता है। फिर स्टॉक के परिवर्तन की पुनः दो भागों में बांटा गया है, मतलब जो स्टॉक का परिवर्तन होता है उसको भी दो भागों में बांटते हैं, उसमें पहला है निजी स्टॉक में परिवर्तन, तब निजी मतलब स्वयं का स्टॉक परिवर्तन, दूसरा है सरकारी स्टॉक में परिवर्तन। इस प्रकार जो सकल पूंजी निर्माण मतलब कुल पूंजी निर्माण, उत्पादित वस्तु और सेवा के स्थान में परिवर्तन की योग को कुल व्यय दर्शाता है। अर्थात इसको कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, पहले लिखेंगे आप सकल स्थायी पूंजी निर्माण बराबर, मतलब जो पूरी पूंजी है उसकी स्थायी पूंजी निर्माण बराबर स्थायी निर्माण, मतलब जो स्थायी रूप से निर्माण किए गए उस पर क्या व्यय हुआ, प्लस स्टॉक में परिवर्तन, से इसको जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगी, सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्राप्त होगी। फिर है शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात घरेलू उत्पादन का एक अंग है, तो अपन शुद्ध निर्यात मतलब जो अपन निर्यात कर रहे हैं जिस वस्तु का, तो शुद्ध निर्यात क्या होती है, घरेलू उत्पादन का अंग है, विदेशों के द्वारा घरेलू उत्पादन पर किए जाने वाला व्यय, घरेलू उत्पादन पर किया जाने वाला व्यय जिसे क्या कहेंगे अपन, शुद्ध निर्यात, जो अपन को विदेशों से प्राप्त आय हो रही है उसे। फिर जो विदेशों से प्राप्त सकल घरेलू उत्पादन में क्या किया जाता है, इसको दोनों को क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है, तो निवासियों द्वारा विदेशों में किया गया व्यय, मतलब जो निवासी हैं जो विदेशों में रह रहे हैं उन्होंने जो व्यय किया। फिर आयात मूल्य इससे घटा दिए जाते हैं, इसमें बैंकिंग इसके अंतर्गत क्या क्या है बेटा, एक देश विदेशों में किए गए निर्यात जैसे कि भौतिक वस्तु हो गई, गैस साधन सेवाएं हो गई, बैंकिंग बीमा हो गया आदि, ये जो होते हैं बेटा विदेशों से किए गए ऐसे आयात जो अंतर में शुद्ध निर्यात कहते हैं, मतलब जो इसका अंतर होता है उसको शुद्ध निर्यात कहते हैं। शुद्ध निर्यात ऋणात्मक दोनों प्रकार मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। शुद्ध निर्यात को ज्ञात करने के लिए वस्तु का गैर साधन
गणना करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है बच्चों, पुराने माल पर किए गया मतलब जो आपका पुराना माल है अगर आप उसको बेचोगे क्रय करोगे तो आपको वह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अंश हो गए, ऋण पत्र हो गए, बैंक जमा हो गया, बचत ऋण पत्र हो गए, ये विनियोग के राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। फिर है मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया राष्ट्रीय आय में भी शामिल नहीं है किया जाता, उसमें मतलब आपका हस्तांतरण भुगतान, पेंशन, छात्रवृत्ति, ये सब आपकी जो है वो आपकी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। फिर है स्व उपभोग के लिए मतलब जो स्व उपयोग के लिए वस्तु होती है उत्पादन रखे जाते हैं वह भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़े जाते। साधन लागत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। फिर इनको तीन विधियों का मिलान मतलब तीनों विधियां हैं जो कौन कौन सी विधियां होती है बेटा, सकल उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सकल उत्पादन और सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ये तीनों विधियां हैं जो तीनों विधियों को मिलाकर मतलब जो विगणना की जाती है, विवेचना की जाती है, उससे निष्कर्ष निकलता है कि तीनों विधियों का गणना का आकलन कैसा होता है, एक सही होता है, परिणाम जो होते हैं वह एक से होते हैं, निष्कर्ष होता है जो कैसा होता है समान होते हैं, निष्कर्ष उसके दूसरी विधि का जो निष्कर्ष है उसके परिणाम के बराबर आमतौर पर अंतिम किए गए संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं होते और इसमें मूल्य वृद्धि के अनुमान कम या अधिक हो जाता है। इसे इस दृष्टि से तीनों विधियों को दावा लगाया गया अनुमान कैसा होगा, एक समान होते हैं। फिर अंतिम व्यय की गणना, तो अंतिम व्यय की जो गणना होती है वह कैसी होती है, अंतिम व्यय की गणना निम्नलिखित रूप से आधार पर की जाती है। तो पहला है निजी कंपनी मतलब जो निजी अंतिम उपभोग का व्यय होता है मतलब निजी व्यय होते हैं जो निजी उपभोग व्यय, याद करने के लिए निम्नलिखित पदों को आप मूल से ज्ञात किया जा सकता है, तो आपको निम्नलिखित रूप से ज्ञात करना है इसे कौन कौन से है। तो पहला है घरेलू बाजार में उपभोक्ता परिवार द्वारा मकान के अतिरिक्त वर्तमान वस्तुओं और सेवाओं के क्रय में, ये सब क्या है, अंतिम व्यय की गणना के निष्कर्ष। ये दूसरा है शुद्ध नगद प्राप्त उपहार, उसके बाद तीसरा है नगद प्राप्त मजदूरी और वेतन जो अपन को कार्य करने के रूप बाद में पारिश्रमिक मिलता है अपन, तो आप नगद मजदूरी और वेतन। फिर चौथा है इसमें परिवार द्वारा विदेशों से किया गया प्रत्यक्ष कर, मतलब तो परिवार द्वारा विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष क्रय, मतलब आप बाजार विदेश से क्या क्रय कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, ये अंतिम व्यय गणना की विधि है। इसमें सकल राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पादन सब क्या है आपके, ये इन सब की जो आय व्यय है वो कैसे है, एक समान है। तीनों व्यय विधि की गणना करने पर निष्कर्ष